आज हम आपको उन नौकरियों के बारे में बता रहे हैं जो सबसे वाहियात मानी जाती है। दुनिया में जहां कई नौकरियां ड्रीम जॉब्स मानी जाती है, वहीं दुनिया में कई नौकरियां ऐसी भी है जिन्हें सबसे वाहियात जॉब कहा जाता है। इन नौकरियों को कोई नहीं करना चाहता है। इतना ही नहीं, इस तरह की नौकरियों को करने के लिए 1000 लोगों में कहीं जाकर एक कर्मचारी तैयार होता है। दुनिया के इन सबसे वाहियात जॉब में सैलरी भी कुछ खास नहीं है। भारत में इन जॉब को लेकर सैलरी 50 रुपए प्रतिदिन से 500 रुपए प्रतिदिन तक है। हालांकि आगे दी गई डर्टी जॉब्स में से कई नौकरियां भारत में उपलब्ध भी नहीं है। विदेशों की बात करें तो इन नौकरियों में सैलरी 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रतिदिन तक है। हालांकि विदेशों के हिसाब से ये सैलरी औसत से भी कम होती है। आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन दुनिया में ये काम वाकई सबसे घिनौने हैं। इन्हें अगर दुनिया का सबसे बेकार काम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है एवरीथिंग टॉप 10। और आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे घिनौने जॉब से रूबरू कराएंगे। एलिफेंट शिट इंस्पेक्टर, इन जनाब के काम को समझाने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। हाथी के मल का निरीक्षण करने वाला ये काम कितना कठिन और घिनौना होगा, इसका अंदाजा तो आप स्वयं लगा ही सकते हैं। ये काम अधिकतर जानवरों पर रिसर्च करने वाले लोग करते हैं। वहीं इन जानवरों को पालने वाले लोग भी ये काम करने वालों को नौकरी पर रखते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एनिमल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ट्रिस बर्गर का कहना है कि जानवरों पर रिसर्च करने वाले लोग अक्सर ये काम करते हैं। वो पार्ट टाइम के लिए दूसरों को भी इसकी पेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। पशु का हस्त मैथुन करवाना, अक्सर ये काम जानवरों के डॉक्टर के कंपाउंडर लोग अपनी मौजूदगी में करवाते हैं। इजराइल, कुवैत, दुबई जैसे अधिकतर खाड़ी देशों में ऐसी नौकरियां सबसे ज्यादा मिलती है। वहां घोड़ों का सबसे ज्यादा यूज होता है। इस जॉब में लोगों को हर दिन के 2000 रुपए तक मिल जाते हैं। जो लोग विभिन्न तरह के पशुओं पर शोध करते हैं, उन्हें भी शोध कार्यों के लिए पशुओं के वीर्य की आवश्यकता होती है। कई जगह शोध करने वाले इसे 50,000 रुपए तक भी खरीद लेते हैं। पशुओं की जनन प्रक्रिया और कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी पशुओं के वीर्य की आवश्यकता होती है, और इसके लिए तस्वीर में दिखाया गया तरीका ही काम आता है। ये वाकई काफी घिनौना तरीका है। खतरनाक जानवरों के मुंह सर रखना, भारत में तो इस तरह की नौकरियां नहीं है, लेकिन चीन, जापान सहित दुनिया के कई देशों में एडवेंचरस जगहों पर और जू में इस तरह की जॉब दी जाती है। इन नौकरियों में मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों के मुंह में खुद को डालकर लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। इसकी औसत सैलरी 1000 से 2000 रुपए प्रतिदिन होती है। कांख सूंघने की नौकरी, दुनिया में जहां जहां परफ्यूम और डिओड्रेंट की कंपनियां हैं, उनमें से अधिकतर कंपनियों में इस तरह की नौकरियां मिलती है। हालांकि भारत में कांख सूंघने की नौकरी नहीं है। विदेशी कंपनियां ऐसे लोगों को हायर करती है जो कांख सूंघ कर ये बता सके कि परफ्यूम या डिओड्रेंट की खुशबू कैसी है, कितनी देर तक परफ्यूम लोगों को फ्रेश रखेगा। इस जॉब के लिए कंपनियां 1500 रुपए प्रतिदिन तक भुगतान करती है। स्पोर्ट्स शुभंकर, खेल शुभंकर आमतौर पर फैंस नहीं होते जो अजीबो गरीब ड्रेस पहनकर इधर उधर भागते रहते हैं। दरअसल इस काम के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं और उन्हें तनख्वाह भी दी जाती है। इस नौकरी को भी दुनिया की सबसे वाहियात नौकरियों में से एक माना जाता है। भारत में भी कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान शुभंकर रखा गया था। इनकी सैलरी प्रति गेम 3000 रुपए से लेकर साल के 40,00,000 रुपए तक होती है। शुभंकर की सबसे ज्यादा नौकरी अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और चीन में निकलती है। वोमेन कलेक्टर, यानी कि उल्टी साफ करने वाला, कुछ खास मौकों पर जैसे अम्यूजमेंट पार्क में राइड के दौरान हम में से सभी ने कभी न कभी तो उल्टी की ही होगी। लेकिन जरा सोचिए, जिनके कंधों पर उसको साफ करने की जिम्मेदारी होती होगी, उसका क्या हाल होता होगा। फ्रांस, पेरिस, न्यूयॉर्क, बीजिंग और सफाई पर खास ध्यान देने वाले देशों के अलग अलग शहरों में लोगों को वोमेन कलेक्टर की जॉब पर रखा जाता है। भारत में ऐसी जॉब फिलहाल नहीं है। ये जॉब करने वालों को हर दिन के 2000 रुपए तक मिल जाते हैं। बकिंगम पैलेस में गार्ड की ड्यूटी, ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस में गार्ड की ड्यूटी को भी दुनिया की सबसे वाहियात नौकरियों में शामिल किया गया है। ब्रिटिश आर्मी में भी इसे 2 कौड़ी की जॉब माना जाता है। इस काम को करने वालों को घंटों बिना हिले, बिना मुस्कुराए, बिना बात किए एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है। अगर कोई सैनिक बोलता, हंसता या अपनी जगह से हिल जाता है तो उसे बेहद सख्त दंड दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस जॉब में दिन में करीब 8 से 10 बार जूतों में पॉलिश करना पड़ता है। वहीं दिन के कई घंटे इन गार्ड को अपनी ड्रेस साफ करने और उसे प्रेस करने में लग जाते हैं। इस जॉब के लिए इन गार्ड को 4000 रुपए प्रतिदिन के मिलते हैं। गटर साफ करना, भारत सहित सभी देशों में ये नजारे दिख जाएंगे आपको। गटर साफ करना दुनिया की सबसे वाहियात नौकरियों में से माना जाता है। जहां इन नौकरियों को इंडिया में प्रतिदिन की पगार करीब 50 रुपए से 100 रुपए है, वहीं विदेशों में इसके लिए लोगों को 1000 रुपए
प्रतिदिन तक मिल जाते हैं। ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करना, बहुमंजिली इमारतों के बाहर एक पतली रस्सी के भरोसे खुद को लटकाकर खिड़कियां साफ करना बेहद जोखिम भरा काम है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ी हाउसकीपिंग फर्म इस तरह के काम करवाती है। इस काम के लिए कर्मचारियों को 1000 रुपए तक दिन भर के मिल जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट को साफ करने की जिम्मेदारी इस जॉब्स का शुमार भी दुनिया के सबसे गंदे जॉब्स में होता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर के 10 सबसे घिनौने जॉब्स। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और भी ऐसे दुनिया भर के टॉप 10 खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए एवरीथिंग टॉप 10। तब तक आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।